शांति। आज की तारीख है 1/7/12 और 1 जुलाई रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो उसकी तारीख है रिवाइज कोर्स की 29/1/75 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है परखने की शक्ति के प्रयोग की सफलता। हम सभी जानते हैं जब 7 डेज का कोर्स सभी को कराते हैं पावर ऑफ उसमें हम अष्ट शक्तियों का भी एक लेसन देते हैं जो योग से संबंधित है, जिसमें एक परख शक्ति भी विशेष रूप से बताई हुई है और हम सभी को बताते हैं। टुडे परखने की शक्ति के प्रयोग की सफलता, पावर ऑफ हम उसके प्रयोग करें तो उसकी निशानियां सफलता की क्या क्या है, चलो मुरली सुनते हैं। और आज सक्सेस बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद द पावर ऑफ बच्चों को इतना सुंदर टाइटल देते हुए और किया है आज की यह सभा। किसकी सभा है तो बाप दादा से बाप दादा कहते हैं राज ऋषियों की सभा है। राज ऋषि, राज शब्द भी है माना राज्य करने वाले, राज्य को प्राप्त करने वाले राजा, और ऋषि अर्थात त्याग तपस्या और सन्यास की निशानी। इन दिस वर्ड देयर आर आज की सभा राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन दो शब्दों को दो बातों को सिद्ध करता है, मधु और बन। तो मधु का अर्थ क्या होता है, मधुरता। सेकेंडली और वन का अर्थ क्या होता है, अनलिमिटेड इंटरेस्ट। तो बाबा भी कहते हैं जैसे मधुबन दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति को। जंगल से कौन दिल लगाएगा, बगीचे से दिल लगता है। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति को ऐसे ही राज ऋषि शब्द का अर्थ क्या है, राज्य करने वाले। बाबा ने मधुबन का अर्थ बताया, अब बाबा हमको राज ऋषि शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि राज्य करने वाले। बेगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग, सर्व त्यागी अर्थात सर्व त्यागी भी किसको कहेंगे, समय के ऊपर संकल्प के ऊपर स्वभाव और संस्कारों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। तो अधिकार हमारा किस किस बातों पर रहेगा वो बाबा ने चार बातें बताई, अवश्य आप सभी ने नोट की होगी। फिर से बोल रही हूँ कि अधिकार जितना अधिकार उतना सर्व त्याग कैसे। तो सर्व त्यागी का एक तो समय के ऊपर, दूसरा संकल्प के ऊपर, तीसरा स्वभाव के ऊपर और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहे वैसे अपने समय,
स्वभाव और संस्कारों का परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप व स्थिति हम धारण कर सके, ऐसे राज ऋषि राज ऋषि का मतलब क्या है? Have you become a Raj Rishi who has claimed all rights by becoming a complete renunciate? As soon as you took birth, Bap Dada says, you received from Bap Dada the status of a Raj Rishi and an elevated stage of self-respect according to your actions. Did you not? सर्व अधिकारी बन गए Have you या अभी बनना है? One with all rights, बाप के or do you सर्व still खजानों to पर हमारा अधिकार जमाया है या अभी हम सोच रहे हैं? क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं. आप सभी का विशेष नारा कौन सा है? What main slogan जैसे शोभा यात्रा में निकलते हैं तो नारे भी बोले जाते For example, हैं, तो आपका विशेष नारा कौन सा है? जब विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहते हैं कि जब जन्मसिद्ध अधिकार है तो वो तो जन्म से ही प्राप्त है. तब अधिकारी तो तुम बन ही गए हो ना, तो इसीलिए वो तो बात नहीं है, कुछ और बात होगी. अब देखो बाबा हम बच्चों को क्या बताते हैं, तो नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर. टू बी नॉलेजफुल, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के बच्चे हो ज्ञान सागर के, माना तुम भी क्या हो गए? मास्टर ज्ञान सागर. जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है. जब नॉलेज समझदारी का रूप पकड़ती है ना, तो हर बात हमें स्पष्ट समझ में आती है. समझ कम तो अधिकार भी कम. अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये तो कायदे की बात हो गई ना. अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो नेचुरल है कि हम अधिकार के लिए भी कैसे मेहनत या पुरुषार्थ करेंगे. नॉलेजफुल तो हो ना. यू आर बाबा ने नॉलेजफुल मास्टर नॉलेजफुल भी बनाया है. अब लास्ट स्टेज क्या है वो जानते हो? No. अभी हम पुरुषार्थ करते करते अभी लास्ट स्टेज पहुंचने के लिए क्या करने का है वो जानते हो? अब लास्ट स्टेज क्या है? कर्मातीत बनने की स्टेज. तो उसकी निशानी क्या है? अब बाबा लास्ट स्टेज की निशानियां नंबर वार हमको सुनाते जा रहे हैं, तो आप सभी नोट करें. डू नोट. सदा सफलता मूर्त वो है लास्ट स्टेज वाले कर्मातीत. कर्मातीत को सफलता जब मिलती है तो उनकी निशानियां कि वो समय भी सफल करेंगे, योर टाइम संकल्प भी उनका सफल होगा, Your संपर्क और संबंध भी सदा उनके सफल. उसको कहते हैं सफलता मूर्त रिलेशन. और सफलता मूर्त कर्मातीत स्टेज को प्राप्त होते हैं. ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? बाबा ने चार बातें बताई. कर्मातीत अवस्था में जो सफलता मूर्त है, तो बाबा ने बताया समय, संकल्प, संपर्क और संबंध. इन चारों ही बातों में वो सफल होते हैं. अब बाबा बताते हैं कि विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जो समय के ऊपर हम बराबर विजयी टाइम उस समय हमको भूल न जाए, जिससे कि सब बातों में सफलता मूर्त बन जाए. तो वो कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, फिर भी बाबा कहते हैं मास्टर सर्व शक्तिमान हो, तो बाप दादा के द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, फिर भी बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण, जो अभी समय चल रहा है उसके प्रमाण विशेष आवश्यकता किस शक्ति की रहेगी?
saying तो बाबा you are receiving all power, but nevertheless, according to the present time, there is a special power, and that power is the power of discernment. So, Bap Dada is saying this is the power which is required. Father, what did Bap Dada say? Bap Dada said, when your power of discernment is sharp, you would recognize in advance which variety of obstacles have come to cause obstacles. अब बाबा निशानियां उनकी बताते हैं कि किसकी परखने की शक्ति तीव्र है. उनकी निशानी क्या होगी जो हम समझे कि ये परख शक्ति वाली आत्मा है. अब उनकी भी बाबा चार निशानियां बताते हैं, जैसे कर्मातीत स्टेज सफलता मुहूर्त की चार बातें बाबा ने बताई. डिसर्नमेंट समय शार्प संकल्प संपर्क और संबंध बराबर. अब आगे बाबा बताते हैं परखने की शक्ति की भी चार बातें. नंबर एक बाबा बताते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, सो दैट यू पुरुषार्थ में विघ्न तो आते हैं ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं. हम जो प्रभु से योग लगाते हैं ना, तो हम लगन से एकदम लगन से योग लगाना चाहते हैं, परंतु वो हमें मग्न होने नहीं देते. कौन विघ्न? तो लगन में आए हुए वो विघ्न बनते हैं. तो उन विघ्नों को पहले से ही जानकर, वो विघ्न का पहले से पता होगा, तो हम उसको मिटा कर क्या करेंगे, लगन में मगन होकर और बाबा को याद करेंगे. तो पहले से ही उन विघ्नों को जानकर और उनके द्वारा वार होने से उन्हें पहले ही वो समाप्त कर देते. ये परख शक्ति वालों की विशेषता, मतलब विघ्नों को आने ही नहीं देंगे, दूर से ही परख कर क्या करेंगे, उनको समाप्त कर देंगे. इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता और इसीलिए उनका खाते में क्या होता है, व्यर्थ मिट जाता है, जमा पैसा हो जाता है. ऐसे ही अब दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, नोट डाउन. ऐसे ही सेवा में, हम सभी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, तो एक आत्मा की मुख्य इच्छा, कोई भी आत्मा की मुख्य इच्छा और फिर उसका मुख्य संस्कार, दूसरा नंबर इच्छा, तीसरा नंबर उनके संस्कार. इच्छा में और संस्कार में फर्क है, वो कभी बताएंगे आपको. तो इच्छा और उसका मुख्य संस्कार, उसको भी वो परखने की शक्ति वाला जानने के कारण, उसको ये जानकारी होने के कारण, उस ही प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में सदा सफल रहता है. तो जिसको जो इच्छा है और उसके जो संस्कार है, उस प्रमाण उससे कार्य करा कर और उसको वो प्राप्ति कराते कराते हैं, तो वो उसमें सफल होते हैं. वो पुरुषार्थी भी सफल होता और कराने वाला भी सफल होता. तो ये बाबा ने उनकी मुख्य विशेषता बताई. अब बाबा तीसरी बात बता रहे हैं कि दूसरों के संबंध में आने के लिए जो मुख्य सब्जेक्ट है, दूसरों के संबंध संपर्क में आते ना, तो जो सब्जेक्ट है उसमें भी हरेक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उससे ही प्रमाण सदा संतुष्ट रहेंगे. स्वभाव को भी जानेंगे, संस्कार को भी जानेंगे, इच्छा को भी जानेंगे और फिर जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की जानकारी रख करके और उनको जो चाहिए वो उनको देंगे, तो उनको संतुष्टता भी प्राप्त होती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं. तो वो रखते हैं उनको ऐसा संतुष्ट, ये उनकी निशानी. तो ये चार बातें बाबा ने बताई. अब बाबा और एक बात उनकी बता रहे हैं
चौथी बात है समय की गति, सॉरी ये तीसरी बात थी, अब चौथी बात बाबा बता रहे हैं कि समय की गति उनकी क्या होती है, किस समय कैसा वातावरण व कैसा वायुमंडल है और कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोट किया सभी ने, किस समय कैसा और क्या वातावरण होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल अकॉर्डिंग और लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बना सकेंगे और बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है कभी लवफुल बनना है, इसलिए ये परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत लंबे चौड़े वाक्य के अंदर पर सरलता से बाबा ने समझाया कि कैसे सेवा में, समझो अभी कहाँ सेवा है जहाँ हमको बहुत फरिश्ता रूप से, बहुत साइलेंस से सब बातों को बुलाते हुए लवफुली नॉलेजफुली और फिर जो कायदे उनके और अपने, उन कायदों में लॉफुली चल करके और फिर हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम उमंग से भी करें और उत्साह से भी करें, समझो वातावरण उमंग उत्साह का नहीं है, बाबा ने कहा जैसे वातावरण वायुमंडल समय उसको पहचान, तो समझो वातावरण वायुमंडल और वो नहीं है, ऐसे समय पर जानकारी होने के कारण, नॉलेजफुल होने के कारण वो उस नॉलेज को कैसे यूज करना प्रॉपरली, कैसी स्थिति सबकी स्वयं की और सबकी रखना और सेवा में कैसे सफलता प्राप्त करना, वो उनको मालूम होने के कारण वो क्या होते हैं उसमें सफल रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी सफल करते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी क्या बन जाती है, बाबा कहते प्रकृति और परिस्थितियां उनकी दासी बन जाती है, क्योंकि वो स्थिति के मालिक हुए ना, तो स्थिति के आधार पर परिस्थितियां चलती, परिस्थिति के आधार पे स्थिति नहीं बनानी। अक्सर अभी तक पुरुषार्थियों की हालत क्या है कि अगर मुझे ऐसा वातावरण मिले, अगर ऐसा वायुमंडल हो, यदि ऐसी सुविधाएं हो, तो हम अपनी स्थिति अच्छी, लेकिन नहीं, ये जो परखने की शक्ति वाले सफलता मूर्त की विशेषता क्या होती है, वो अपनी स्थिति में होते हैं, स्थिति उनकी उच्च कर्मातीत स्थिति, सफलता मूर्त की स्थिति, सर्वशक्तियों की स्थिति वो लेकर के कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली परिस्थिति जो है वो उनकी दासी बन जाती है, अर्थात प्रकृति भी, बाबा ने कहा खाली परिस्थिति नहीं, प्रकृति भी उनकी दासी बनती है। अगर प्रकृति में वायुमंडल या प्रकृति का मौसम ऐसा हो कि हम नहीं कर सके कार्य, पर अगर ये आत्मा कार्य करने आएगी तो प्रकृति अपना रूप बदलेगी, तो ये उनको मदद मिलती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते, या तो वो प्रकृति को थमा देते हैं या फिर प्रकृति अपना रूप दिखावे भी तो वो उनसे प्रभावित होकर मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा में असफल नहीं, पीछे कदम कॉन्स्टेंट एम्बॉडीमेंट्स ऑफ ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त
कहा जाता है। इसलिए रिमेम्बर बाबा उनके लिए भी टोल्ड यू तीन थ्रू थ्री डिफरेंट सफलता forms. प्राप्त करने के लिए अब उनको तीन बातें और फिर बताते हैं। क्या बताते हैं? मीन इसके लिए तीन स्वरूप से बाप की corporeal. बात याद रखो। तो so बाबा बाप दादा सिंह बाप दादा सिंह ऐसा सफलता रिमेंबर व्हाट द फादर हैज टोल्ड यू तीन स्वरूप की तीन बातें बाप की याद रखो। बाप की द थ्री अच्छा कौन सी वो तीन स्वरूप पहले तो कौन से बाप के द इनकॉर्पोरियल द सटल आकार एंड द कॉर्पोरियल जैसे तीन संबंधों में अब ये तो बाबा ने बताया तीन स्वरूप और स्वरूप के साथ तीन बातों में कौन सी तीन बातें तो सत बाप दादा सिंह सत बाप के रूप में वर्षा सत शिक्षक के रूप में शिक्षा और सत गुरु के रूप में श्रीमद् मतलब टोटल तीनों स्वरूप में संबंध में शिक्षाओं को स्मृति में रखे थ्री वैसे ही तीन स्वरूपों से तीन मुख्य बातें स्मृति में रखो जैसे हमको बाप टीचर गुरु तीनों की तीनों बातें स्मृति में है तो अब ये तीन स्वरूप को भी हम स्मृति में रखें। व्हाट इज बाप दादा सिंह स्मृति में रखने का मतलब हम अपनी स्थिति साकार से आकारी आकारी से निराकारी जब जिस समय जिस स्वरूप की आवश्यकता हो वो स्वरूप हम धारण करें। अच्छा अब बाबा हमें बताते हैं कि ये तीन स्वरूप धारण करने से प्राप्ति क्या होगी। इन तीन स्वरूप से बाबा कहते हैं कि तीन वरदान प्राप्त होते हैं। अब वो तीन वरदान देखो कौन से बाबा बता रहे हैं। इन तीन स्वरूपों से विशेष तीन वरदान कौन से तो निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान बाप दादा इज आस्किंग अगर हमको निराकारी स्थिति में पहुंचना है तो हमें किस वरदान में चलना पड़ेगा। कर्मातीत भव बाप दादा सेज बाबा कहते स्थिति क्या बनानी पड़े कर्मातीत तो जितना हम कर्मों से दूर जाएंगे कर्म से अतीत की स्थिति क्योंकि हम जब विदेही हैं तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बिंदु रूप हैं तो कर्मातीत भव फिर आकारी स्वरूप में कौन सा वरदान आकारी स्वरूप में फरिश्ते का कौन सा वरदान प्राप्त है व्हाट स्पेशल डबल ब्लेसिंग इज रिसीव फ्रॉम द सटल फॉर्म डबल लाइट फ्रॉम द एंजेलिक फॉर्म डबल लाइट अर्थात बाबा कहते हैं मे यू बी डबल लाइट कर्म बंधनों से हल्के टू बी डबल लाइट मींस देह सहित देह के सभी कर्म बंधन या फिर प्रकृति परिस्थिति के साथ भी हमारे कर्म बंधन तो ये जितने भी कर्म बंधन हैं उनसे हल्के लाइट और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप कौन सा है हमारा प्रकाश स्वरूप सो हम चमकते हुए स्पेशल ब्लेसिंग सितारे रिसीव तो प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान क्या है लाइट डबल लाइट भव इससे ही फिर डबल ताजधारी भी बनेंगे। अच्छा फिर साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है तो वो कॉर्पोरियल फॉर्म साकार स्वरूप का ब्लेसिंग विशेष वरदान है। हाँ बहुत बार बाबा ने ये बात बताई है कि साकार समान एक निरहंकारी बाबा हमारे साकार बाप को कोई अहंकार नहीं था निरहंकारी और फिर निर्विकारी बाप दादा निराकार निर्विकार और निरहंकारी तो ये तीन वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? Do you understand?
बाप दादा से भी बाप दादा बच्चे से शक्तिमान। चिल्ड्रन आर इवन अब मीठे मीठे बाप दादा देन हम बाप बच्चों दादा को रूहानी नशा चढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे शक्तिमान हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने क्या उसको शक्तिमान नहीं कहेंगे? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना। बाबा ये भी हम बच्चों को जैसे ऊंचा बनाने की ऊंचा बताने की तीन बातें बता रहे कि मेरे से तुम कैसे ऊंचे हो। तो एक तो कहा कि सर्वशक्तिमान को तुम प्रत्यक्ष करते हो इसीलिए तुम बाप से भी ऊंचे हो। अब दूसरी बात कहते हैं सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना वह स्नेह की रस्सी में बांध लेना। अब तुम बच्चों ने मुझे बांध लिया है अपनी स्नेह की रस्सी में जो मुझे वतन से नीचे बुला लेते हो तो क्या ज्यादा शक्तिमान नहीं हुए? बाप दादा तो बाबा asking, कहते क्या बच्चे शक्तिमान मेरे से ज्यादा नहीं हुए? अब तीसरी बात भी फिर बाबा बताते और हमें विश्वास दिलाने बल्कि अथॉरिटी को ऑलमाइटी अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना। इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक द ऑलमाइटी अथॉरिटी इनटू वर्ल्ड सर्वेंट इसके निमित्त भी कौन समीप चिल्ड्रन आर क्लोज कौन निमित्त बनते हैं जो सहयोगी है बाप के और जो समीप है ऑलमाइटी अथॉरिटी इन टू द वर्ल्ड सर्वेंट द चिल्ड्रन आर क्लोज। इस मुरली का याद प्यार दे रहे हैं कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम के द्वारा प्रख्यात करने वाले हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनने वाले सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे लवफुल और लवफुल आत्माओं के लवफुल एंड लविंग सोल बाप दादा और Remembrance नमस्ते। अब ये बाप दादा की दूसरी मुरली है इसीलिए हम अभी बाप दादा को याद प्यार का रिटर्न जवाब नहीं देंगे, पहले दूसरी मुरली सुनते हैं। ये मुरली भी अव्यक्त बाप दादा की है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 31/75 और इस मुरली का हेडिंग है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। द हेडिंग ऑफ टुडेस मुरली इज कैसे होती है, कैसे प्राप्त करें, कॉर्पोरियल उसके लिए क्या करें अव्यक्त। अच्छा मुरली में बाप दादा बोल रहे हैं सभी इस समय एक ही लगन और एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वो एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? हाँ बाप दादा, गुलजार दादी आके बैठी है, सभी ने आवाहन किया तो हर एक के अंदर कौन सा एक संकल्प रहा? तो बाप का आवाहन करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन बाप दादा answers that question. और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो तो क्या स्वयं जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो क्या उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो? यू नॉट एबल टू जब बाबा का आवाहन करके बाप को बुला सकते हो तो क्या शक्ति को नहीं बुला सकते? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो हम बच्चों की देखो ये बाबा इनडायरेक्ट महिमा कर रहे हैं। अव्यक्त को व्यक्त बना सकते हो केवल याद के बल से
स्नेह के बल से, एबल टू मेक अधिकार प्राप्त होने के बल से, और समीप संबंध के बल से, थ्रू चार बल बाबा ने बता दिए। इन द सेम वे याद बाप दादा स्नेह अधिकार और समीप संबंध का बल, एवरी पावर ऐसे ही हर शक्ति को अव्यक्त व स्वयं को कॉर्पोरियल व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते। बाप दादा जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे व परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। ये परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किसके बारे में हैं? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली कौन सी परियां हैं? अपने को ऐसी परी समझती हो? ज्ञान और याद दोनों के पंख लगे हुए हैं ना? आप ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो? बाबा कहते प्रैक्टिकल देखो अपना, ऐसे फरिश्ते समान परियों को एक सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया, आवाहन किया और वो शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसी ताली बजानी आती है? सो दैट बाबा कहते ऐसी ताली बजाते हो, आती है बजाना? ऐसी परियां बनी हो कि जिन्हों का हर संकल्प गायन होता आया है? वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए। बाबा कहते समय के हिसाब से पुरुषार्थ में ऐसी तीव्रता आनी चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। आशा करती हूँ नोट डाउन किया होगा। संगम युग पर सर्वशक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। स्वयं के शस्त्र ध्यान से सुने, नोट भी करें। स्वयं के शस्त्र समान शक्तियां हों जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा ओके। अच्छा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। नाउ देयर इज अब इतने अच्छे अच्छे इसमें स्लोगन है निर्माणता के, नम्रता के, आप नोट करते जाना। नंबर एक, सेवा में सहज और सदा सफलता प्राप्त करने का मूल आधार है निर्माण चित्त बनना। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का ये सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। महानता की निशानी ही निर्माणता है। द साइन ऑफ जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है, उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। फिर निर्माणता सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। Imbibe the virtue of humility in वाणी, your attitude, संबंध, vision, संपर्क, relationship, सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जैसे वृक्ष का just झुकना सेवा करता है, tree, फल लगते हैं, पूरी छांव मिलती है, ऐसे निर्माण बनना अर्थात झुकना ही सेवाधारी बनना है। इसलिए एक तरफ महानता हो तो दूसरी तरफ निर्माणता हो। कितने देखो नौ दस स्लोगन एक इतने से पैराग्राफ में आ गए। अब आप कहेंगे आप तो जल्दी जल्दी पढ़ लिए, पर क्या करें,
हमारी भी मजबूरी है कि समय के अंदर ही मुरली थोड़े समय में हम आपको पूरा बाबा का खजाना दे सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। जो निर्माण रहता है, निर्माण तक की बातें चल रही है, जो निर्माण रहता है वो सर्व के द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। हम्बल पूरा ये पैराग्राफ आप देखेंगे और भी आगे ये चल रहा है, पूरा पैराग्राफ निर्माणता के विषय में इतना अच्छा बताया है। आप ये मुरली अवश्य कहीं से भी कलेक्ट करके अपने पास रखें और उसे बार बार निर्माणता के लिए पढ़ते रहें। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे सब दूर भागेंगे। जो निर्माण होते हैं वो सबको सुख देते हैं, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वो सुखदायी होगा। उसके संबंध संपर्क में भी जो आएगा वह भी सुख की अनुभूति करेगा। सेवाधारी की ये विशेषता है होती है कि एक तरफ वो अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना बेपरवा बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस हो। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। लेकिन जितना स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का भी अभिमान नहीं, ऐसे नहीं कि हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं तो उनके प्रति घृणा भाव हो कि ये नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कि ये घृणा भाव ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन रहम की दृष्टि से देखो, अभिमान की दृष्टि से नहीं कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो ऊंच हूँ और इनको तो कुछ भी आता नहीं, ये क्या है। ऐसा बाबा कहते हैं ऐसे घृणा भाव से नहीं देखना है, ना अभिमान की दृष्टि से देखना है, ना अभिमान और ना ही उनका अपमान करना है, ना निर्माण चित्त वाला कभी किसी का अपमान करता है। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये चाल अभी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी बच्चों में कहीं ना कहीं परसेंटेज में कम ज्यादा अभिमान है और हम अपमान करते हैं। निर्माण भाव नहीं, हमारे अंदर बेहद का भाव नहीं और निमित्त भाव भी नहीं, जिस कारण बाबा को आज कहना पड़ रहा है कि अब चाल चलन बदलनी चाहिए। स्टेटमेंट यदि अभिमान नहीं होगा तो अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। अभिमान होता है ना तो फिर अपमान भी फील होता है। वो सदा निर्माण रहेगा और निर्माण के कार्य में सदा बिजी रहेगा। अच्छा, अब मैं मुरली तो है थोड़ी, लेकिन आपको मैं मुख्य मुख्य महावाक्य सुना देती हूँ। उसमें से शुभ भावना शुभ कामना ही बीज है निमित्त भाव और निर्माण भाव। इसलिए हमें बुद्धि में अगर निर्माणता लानी है, निर्माण का कार्य करना है, तो बुद्धि में शुभ भावना हो हर एक के प्रति और शुभ कामना, चाहे वो व्यक्ति योग्य लगे या न लगे, वो व्यक्ति होशियार हो या न, एंड ऑफ बीइंग हम्बल। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, फिर असभ्यता की निशानी नोट डाउन, असभ्यता की निशानी है जिद। बाबा कहते हैं जो जिद करता है वो असभ्य है और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तो निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता की सत्यता। कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं कि हम कोई सत्यता भी बताना चाहते हैं तो
तो निर्माणता से सत्यता को निमित्त भाव से बताएं और सभ्यता के साथ बताएं और निर्माण हो करके बताएं। तो नम्रचित्त निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार रूप जो दिखाई देता है लेकिन वास्तविक वो उनकी विजय। देखने वालों को कभी क्या लगता है देखा वो झुक गया माना देखा हार गया और वो अभिमानी जीत गया। निर्माण वाला निर्माण चित्त वाला हार गया लेकिन बाबा कहते नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखने वालों को होती है लेकिन वास्तव में बाबा की नजरों में क्या है वो विजय रत्न है और वो वास्तव में उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक्य का रूप न बने। सिर्फ वो पुरुषार्थी खुद खुद में संशय रूप न बने पता नहीं मेरी हार है या जीत है ये शक न रख अपने में निश्चय पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं कल वह पुष्ट चढ़ाएंगे। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। निर्माण स्थिति द्वारा हर गुणों को प्रत्यक्ष करो तब कहेंगे धर्म सत्ता वाली महान कम इनटू कनेक्शन विद ऑल सोल्स बी लविंग एंड रिसीव गुड विशेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ एवरीवन। बाबा ने तो ब्रह्मा बाप की भी बहुत अच्छी विशेषताएं सुनाई है और वो विशेषताएं एक है कि कभी भी ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया इतना निर्माण होकर सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। फादर ब्रह्मा दूसरा बच्चे मेरे से आगे हैं बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं सदा यही भावना रही और यही दिखाया। फिर पहले मैं कभी नहीं कहा बाबा ने पहले आगे बच्चों को किया पहले बच्चे बड़ा बच्चों को कहा। तो स्वयं को नीचे करना नीचे होना नहीं है लेकिन ऊंचा जाना है तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर वन योग्य सेवाधारी। अच्छा दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। To give regard to others and to be humble अच्छा, is to uplift others। तो ये सदा काल का उमंग और उत्साह या खुशी या स्वयं के सहयोग का खजाना बाबा कहते हैं सदा के लिए हमें पुण्य आत्मा बना देता है। तो हम इन सभी को साथ में लेते हुए सेवा करें तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चिल्ड्रन वी स्पिरिचुअल अपनी चलन फादर और चेहरे के द्वारा नमस्ते भाग्य की लकीर दिखलाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता लाइन ऑफ योर अनादिता शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाबा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है यू ब्राह्मण जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द इटर्नल फादर एंड द फर्स्ट अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हम हर्षित रहे हर चलन और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाइए। आपके मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है आज का योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट और माइट रूप का अनुभव who becomes introverted Achha. and who experiences Om the form Shanti. of light and might. Om, Om Shanti, Om Shanti. Shanti. Chodo to chudo.